हे गाइस, वेलकम टू शिपिति एजुकेशन। आज हम सिंपल गेम बनाना सीखेंगे। ये बॉल और बार गेम है, बहुत सिंपल गेम है, बचपन में आप सभी ने जरूर खेला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हम गेम बना रहे हैं ये नॉन ऑपरेटेबल है, मतलब कि कई बार आपने वीडियो गेम खेलते वक्त देखा होगा कि अगर हम वीडियो गेम को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो गेम अपने आप चलने लगता है। तो वही कुछ उस तरीके का गेम हम बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर लिया है ताकि मैं एक बार बना पाऊँ। बेस लाइन से कनेक्ट होता हुआ ही मैंने एक बार बना लिया है। अब एक इस पे रेड कलर की या पिंक कलर की बॉल बना लेते हैं, किसी भी कलर की, जो भी आप कलर पसंद करें। तीन एलिमेंट्स हैं हमारे इस पूरे गेम में, एक बार, बॉल और कॉइंस। ये कॉइंस बना लिया। अब इसमें टेक्स्ट डाल देते हैं, डॉलर का साइन डाल देते हैं। केवल टेक्स्ट वाला यहाँ पे आपको टी लिखा हुआ जो दिखाई दे रहा है टूल्स में ही, उससे आपका टेक्स्ट आ जाता है। अब वहीं पे आप टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद उस टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं खींच के। डार्क कलर ले लेते हैं अंदर के टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आप प्रॉपर्टीज़ में कलर का ऑप्शन देख रहे होंगे, वहाँ से चेंज होगा। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ में कलर का ऑप्शन है, यहीं पे से आप कलर को चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट के। इसे स्ट्रेच कर देंगे। कॉइन के साइज का करेंगे, बाहर निकल रहा है तो छोटा कर लें। अब इस पूरे को सेलेक्ट करके एक सिंबल में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो हमने कॉइन बनाया है उसे सेलेक्ट करके मैंने कंट्रोल प्लस सी दबाया और कॉपी कर लिया है, और कंट्रोल प्लस वी दबाने पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। यही करेंगे हम पूरे में, इन्हीं कॉइन्स को अलग अलग जगह पे पेस्ट कर देंगे। ये मैंने सारे कॉइन्स अरेंज कर लिए हैं अलग अलग पोजीशन पे। अब हम अपने फर्स्ट फ्रेम को अरेंज करना शुरू करते हैं। तो पहले फ्रेम में कुछ ऐसा होगा, फर्स्ट फ्रेम में हमने बॉल को बार के ऊपर रखा हुआ है, और सेकंड, अभी हम एक काम करते हैं, थोड़ा कम ही फ्रेम इंसर्ट कर रहे हैं, फिर बाद में हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम और इंसर्ट कर लेंगे। 5-5 के गैप से हम फ्रेम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रेम में ये बॉल जो है वो किसी एक कॉइन को हिट करेगा, ठीक है, और हिट करके बाउंस बैक होगा। तो नेक्स्ट फ्रेम में हमें क्या करना है कि ये जो बॉल है वो कंट्रोल प्लस जेड इस कॉइन को हिट किया। एक फ्रेम छोड़ के मैंने इस कॉइन को डिलीट कर दिया, इस पर्टिकुलर कॉइन जिसको बॉल ने हिट किया है इसे डिलीट कर दिया, मतलब ये कॉइन इस बॉल ने गेन कर लिया या फिर ले लिया, इसे डिलीट कर दिया मैंने। अब इस सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है कि हमने किस सीक्वेंस में, 5-5 के सीक्वेंस में हम फ्रेम इंसर्ट कर रहे हैं, और जब भी कॉइन को बॉल हिट कर रही है तब हम एक फ्रेम छोड़ के उस कॉइन को हम डिलीट कर रहे हैं। इसी सीक्वेंस से हम सारे कॉइन्स को अरेंज करेंगे, माने कि इसी सीक्वेंस से, जैसे कि ये बॉल दूसरे कॉइन को हिट करेगी, फिर दूसरे कॉइन में क्या होगा कि वो कॉइन को हम डिलीट कर देंगे जिसको बॉल ने कॉइन को हिट किया है, फिर उसके बाद हम
पाँच के गैप से फिर बॉल को नीचे ले आएंगे। बाद में हम इस बार को सेट कर लेंगे, बाद में लास्ट में हम इस बार को सेट करेंगे। पहले आपको अंदाजे से बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी वैसे आप कर लीजिए। बाद में हम इसे ओनियन स्किन के ऑप्शन से हम इसे बाद में सेलेक्ट करके मैनेज कर लेंगे, सारी मिला लेंगे हम उन्हें। अब लास्ट ही कुछ ही बचे हैं, उन्हें भी हम ऐसे ही अरेंज कर लेंगे। लास्ट कॉइन बचा है, एक और फ्रेम इंसर्ट करें। एक के गैप से हम कॉइन को डिलीट करेंगे और पांच के गैप से हम बॉल को वापस ले आएंगे। कई बार क्या होता है कि मेरा जो आउटलाइन है वो नहीं उठ पाती है, तो मैं उसे कंट्रोल प्लस जेड करके डबल क्लिक करके फिर से सिलेक्ट करता हूँ तो हो जाता है। सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका बेसिकली वही बॉल का कलर ही सिलेक्ट होगा, बाकी डबल क्लिक करने पे बॉल का लाइनिंग भी सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं और देखते हैं। एकदम ठीक है, बढ़िया है, पर थोड़ा फास्ट चल रहा है वो। बाद में हम फ्रेम पर सेकंड की रेट कम कर देंगे तो उससे कम हो जाएगा।
स्पीड स्लो हो जाएगी। अब हमें करना क्या है कि हमें इस बार को भी सेट करना है, तो इस बार को आपको बॉल को बचाते हुए सेट करना है, बस जैसे आप गेम में करते हैं, बार को आप ऐसे मूव करते हैं कि बॉल आपके नीचे से टच ना हो और वो ग्राउंड पे गिर जाती है तो आपका गेम ख़त्म हो जाता है, वैसे ही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे बार को केवल उसी की पे ले जाके सेट करना है जिस की पे आपने मूव किया है। ये मेरा लगभग बार अरेंज हो चुका है, थोड़ा सा उसी फ्रेम पे ले जाके कीजिएगा जहां पे आपने बॉल को मूव कराया है। ठीक है, यहाँ पे एक हम टेक्स्ट पे ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पे जैसे कि टेक्स्ट में डाल दिया गेम ओवर। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को बड़ा कर देंगे, कलर आप अपने हिसाब से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और चाहें तो इफेक्ट कुछ टेक्स्ट में डालने के लिए तो वो भी कर सकते हैं। इफेक्ट मतलब कि आप टेक्स्ट को बड़ा कर दीजिए, फिर वो धीमे धीमे बीच में छोटा हो रहा है और फिर दोबारा से उल्टा हो गया, उल्टा होने के बाद सीधा हो गया, इस तरीके का भी आप इफेक्ट डाल सकते हैं। वो भी आपको एनिमेशन के थ्रू कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें हम एनिमेटेड इंट्रो बनाएंगे किसी भी वीडियो के लिए। हमें केवल अपना टेक्स्ट छोटा करना है, गलती से मेरे से पूरा छोटा हो गया था, जैसे कि मैंने अब यहाँ पे छोटा कर दिया। दूसरा फ्रेम सिलेक्ट करूँगा, अब मैं इसे पीछे ले जाऊँगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये देखें। और नेक्स्ट फ्रेम सिलेक्ट करूंगा और इसे सीधा कर दूंगा, चाहे तो आप इसे नेक्स्ट लेयर पे भी ले जा सकते हैं, एक और लेयर बना लीजिए, उस लेयर में आप इस टेक्स्ट को डाल दीजिए। ठीक है, ये हो गया। ये वाला जैसे कि मैंने ये पूरा जो गेम ओवर वाला हमने एनिमेट किया है, इसे मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कट किया, एक नया लेयर बनाया और उसमें इसे पेस्ट कर दिया इधर से ही, बस आपका काम हो गया। अब आपको फर्स्ट लेयर आपने पूरी सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया, क्रिएट अ क्लासिक ट्विन कर देंगे आप, प्रीव्यू करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर दबा के। ठीक है, बहुत
सही है। बहुत जल्दी हो रहा है, हम इसे स्लो कर देंगे। यहाँ पे फ्रेम्स पर सेकेंड FPS जो लिखा हुआ है हम इसे कम कर देंगे। वैसे 30 पे सेट था ये, मैंने इसे कम कर दिया है। अब देखते हैं, बहुत स्लो हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे और फाइनल कर देंगे। और अभी ये जो जर्क आ रहा है, इस जर्क को रिमूव करने के लिए आप ओनियन स्किन वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो जर्क आ रहा है हिलने का, इसे रिमूव करने के लिए ओनियन स्किन का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया स्टेज का, फ्रेम पर सेकेंड थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। ये ओनियन स्किन मैंने ऑन कर लिया है। अब आप जैसे जैसे कर्सर को मूव करेंगे, ये जो ब्लू कर्सर है इसे आप मूव करेंगे, वैसे वैसे आपको दो कलर का डिफरेंस दिखता जाएगा, ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर जो आने वाला फ्रेम है, ब्लू कलर जो आपका पुराना वाला फ्रेम है। तो इस हिसाब से आप अपने जो ऑब्जेक्ट है उसे आप मैच करेंगे, जो कि आपका रियल कलर में होगा। ठीक है, तो इसे मैच कर लेते हैं। तो इससे आपका जर्क रिमूव हो जाएगा काफ़ी हद तक। जितना अच्छा आप मैच करेंगे उतना अच्छा जर्क रिमूव होगा। मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने ये मैच कर लिया है काफ़ी हद तक। अब इसे देखते हैं कंट्रोल प्लस एंटर दबाने पे। ठीक है, काफ़ी हद तक जर्क रिमूव हो चुका है, पर एक आध फ्रेम पे आ रहा है, तो उससे भी आप सेट कर लेंगे। और आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग श्रीपति एजुकेशन।